आवाज दे दिया। बहनों और भाइयों, और मोदी जी ने कल के संकल्प पत्र में एक बात और कही कि 3 करोड़ और आवास अगले 5 वर्ष के अंदर गरीबों को देंगे। इसका सर्वाधिक लाभ तो यूपी और बिहार को ही लेना है। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में बिजली का उजियारा कर दिया, घर घर बिजली पहुंचा दी, फ्री में कनेक्शन गरीबों को मिल रहे हैं। मुझे याद है कोरोना कालखंड के दौरान जब बिहार के लोग अन्य राज्यों में कार्य करते हुए निकल रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भेदभाव मत करना बिहार के लोगों से, क्योंकि माता सीता के मायके से जुड़े हुए लोग हैं और इसलिए उनके साथ भेदभाव मत करना। जो सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को मिले वही सुविधा हमारे बिहार के बहनों और भाइयों को उपलब्ध करवाना, उनके रहने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था, उनके उपचार की व्यवस्था। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी जो सुविधा मिली थी उस समय लोगों ने सराहा था कि वाह, हमें अब लगता है कि ये यूपी और बिहार का मेल किस रूप में है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और यही मोदी की गारंटी है। देश को सुरक्षा देना हो या सुशासन का मॉडल देना हो, नौजवानों की आजीविका का मुद्दा हो या गरीब के उत्थान का, किसान की खुशहाली का मामला हो या फिर नौजवान की आजीविका का और आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़कर के और कोई नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करते? क्या ये लोग कर पाते? क्या गरीबों को ये लोग राशन दे पाते? क्या सारा तो यही खा जाते थे। आरजेडी के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडाराज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो, गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो बस, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों, दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं आपके पास। बहनों और भाइयों, बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। और आज आप देख रहे होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य, 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं। और बहनों और भाइयों, आज वही आश्वासन देने के लिए आए हैं, यह काम केवल बीजेपी और एनडीए ही करेगा, और इसी के लिए मोदी जी तीसरा कार्यकाल मांगने के लिए आपके पास इस लोकसभा चुनाव में आए हैं। क्योंकि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का मतलब विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। अब तक तो हम लोगों ने कांग्रेस, आरजेडी और इन दलों के दलदल में जो देश फंस करके बड़े बड़े गड्ढे इन्होंने बनाए थे ना, इसको पाटने में और इनके कचड़े को साफ करने में समय लगाया। अब स्पीड बढ़ा करके
भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने का समय आ चुका है। बहनों और भाइयों, ग्लोबल लीडर के रूप में भारत बनने का मतलब एक आत्मनिर्भर भारत। युवा आत्मनिर्भर होगा, महिलाएं स्वावलंबी होंगी, व्यापारी सुरक्षित होगा, उसका व्यापार फल फूल रहा होगा, दुनिया के अंदर उसकी अपनी धमक होगी और भारत दुनिया का पिछलग्गू नहीं, दुनिया की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में दुनिया को नेतृत्व दे रहा होगा। ऐसे भारत के लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कि बहनों और भाइयों, जब सारी समस्या का समाधान तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। देश को समस्या देने वाले कांग्रेस और आरजेडी के ही लोग हैं, दिया ना इन्होंने समस्या, आतंकवाद की समस्या इन्होंने दी, भ्रष्टाचार की समस्या इन्होंने दी, गरीबों के हकों पर डकैती डालने की समस्या भी इन्होंने ही दी, अराजकता और दंगे भी इन्होंने ही दिए, अव्यवस्था भी इन्होंने दी, हर प्रकार की समस्या इन्होंने दी और समाधान मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने समस्या का समाधान दिया है, तो जब समाधान मोदी जी दे रहे हैं तो समस्या को पालने की आवश्यकता नहीं जो आपके विकास में बाधक है, और इसके लिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, आरजेडी से कोई उम्मीद मत करिए, ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई, अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी। आपने देखा होगा वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोचा ही नहीं, विकास भी होना तो परिवार का सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है, एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है, और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, यूपी और बिहार का संबंध तो चोली दामन का संबंध है, कभी अलग न होने वाला संबंध है। हमारे यहां जब बोलते भी हैं संबोधन में तो हम बोलते हैं जय सीताराम, पहले माता सीता का नाम लेते हैं तब राम का नाम लेते हैं, यही हमारा संबोधन है। तो ये संबंध तो दोनों राज्यों के संबंधों को जोड़ करके मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान को आगे बढ़ाता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है और मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए औरंगाबाद से श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से सांसद बनना आवश्यक है। हम दोनों लोग 1998 से लेकर के लगातार देश की संसद में साथ साथ सांसद रहे और उन्होंने बताया ना, वाराणसी का बाईपास हो या फिर विंध्यवासिनी धाम की कनेक्टिविटी को ठीक करना हो, उन्होंने ये भी कहा था कि विंध्यवासिनी धाम में हमारे यहां के लोग आते हैं वहां पे काफी संकरी गलियां हैं, हमने कहा चिंता मत करिए अगली बार जब आएंगे तो मां विंध्यवासिनी का धाम एक नए रूप में होगा। और बहनों और भाइयों, आज तो बासंती नवरात्रि की सप्तमी तिथि है, महाकाली की पूजा होती है और आज विंध्यवासिनी धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भी पहुंचे हुए हैं। कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमने गलियारा इतना चौड़ा बना दिया है कि कहीं कोई 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 10 लाख लोग भी एक साथ आ जाएंगे, कोई किसी को समस्या नहीं होने वाली है। पहले काशी में 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे, आज काशी में 5 लाख 6 लाख श्रद्धालु अगर एक साथ भी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आता है,
कोई समस्या नहीं, सभी लोग दर्शन करके जाते हैं। ये सब हो पाया है, मोदी जी का नेतृत्व है तब संभव हो पाया है। बहनों और भाइयों, भारत की शास्त्रता को कब कहां सम्मान मिलने वाला था? ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे ये कांग्रेस, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम तो हुए ही नहीं, ये राम के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर, यानी ये लोग प्रश्न खड़ा करते थे। और जब अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, अभी लोग कहते हैं राम तो सबके हैं, कहते हैं ना। इसलिए बहनों भाइयों, उन पर विश्वास मत करना, कभी विश्वास मत करना, ये धोखा देंगे। धोखा देकर के फिर से बिहार वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करेंगे। पहचान का संकट खड़ा करने वालों को लोग एक एक वोट के लिए तरसवा दीजिए। सहमत है ना? सभी सहमत है? करेंगे इस कार्य को? पहले ही चरण में वोटिंग है, पहले ही चरण में वोट पोल करना है आप लोगों को। और याद रखना, सुशील सिंह जी को जब आप यहां वोट देंगे, उसकी गूंज यूपी के अंदर सुनाई देगी। और यूपी में हम तय कर चुके हैं, 80 लोकसभा सीट हैं यूपी में, और हमने तय कर दिया है, यूपी के लोगों ने तय कर दिया कि 80 की 80 सीट एक मनकों की माला बनाकर के मोदी जी के गले का हार बनाएंगे। बिहार में भी आप लोग सब सहमत हैं? एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए सहमत हैं? यहां से सुशील सिंह जी भारी बहुमत से कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनकर के जाएंगे, जातिवादी ताकतों को नकारेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की।